छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन ने जवानों पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए 30 मार्च को बीजापुर बंद का ऐलान किया था, जिसका असर कुछ जगह पर दिखा। इस ऐलान के चलते जिले के चारों ब्लॉक के प्रतिष्ठान बंद रहे, यात्री बसें भी रोक दी गईं। दूसरी तरफ पुलिस ने भी इस बंद को लेकर अपनी रणनीति बना ली थी, जिसके तहत चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन। वहीं बीजापुर एसपी ने कहा कि नक्सली बैकफुट पर है और बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है, सभी तरफ रोड खुले। हमारे जो आश्रम्स हैं उनकी लगातार हम सर्विलेंस कर रहे हैं, जो सहरी नेटवर्क है उसका लगातार सर्विलेंस कर रहे हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें आश्रम का जो वो था, लड़का था, जो कि पूरी तरह से इन्वॉल्व था उस एक्टिविटी में, उसने रेकी भी किया और उसके बाद में उस मौके पर मौजूद होकर जवान पर फायरिंग करवाई। तो इस तरह की सहरी नेटवर्क है, इसकी पूरी सर्विलेंस हो रही है और हम जो हमारा जो पुलिस तंत्र है वो और हम अच्छी तरह से विकसित करके ये जो सहरी नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं।